दोस्तों ये है 70 दशक के फिल्म सुपरस्टार देवानंद जी का घर। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको देवानंद जी का पूरा घर का ब्लॉग दिखाऊंगा और साथ में इनकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को 70 से 80 दशक के महानायक कहे जाने वाले आपको देवानंद जी का घर दिखाए हैं। जी हाँ दोस्तों, देवानंद जी की हवेली काफ़ी पुरानी और काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देवानंद जी के घर के बारे में जो भी खासियत है, उसकी प्राइस क्या है, वो बहुत ही बड़ी हवेली है और बहुत ही पुरानी हवेली है, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं के घर का ब्लॉग दिखाने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि फिलहाल अब तो देवानंद जी हैं नहीं, उनके घर में कौन कौन रहता है, उनकी फैमिली कहाँ रहती है और जो इनका ये घर है, हवेली है, इसमें कौन रहता है। तो गाइस पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। देवानंद जी इसी घर में रहते थे। आपको तो पता होगा कि पुरानी फिल्मों में बहुत ही बढ़िया हीरो का रोल अदा करते थे और बहुत ही लोगों को पसंद भी आते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनके घर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और देवानंद जी से भी जुड़ी जो भी फैमिली की खासियत है उसके भी बारे में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली हम यहाँ पर देवानंद जी के घर पे आ पहुँचे हैं और सामने हमारे चंदन टॉकीज दिख रहा है। जी हाँ, जो जुहू का सबसे बढ़िया टॉकीज है, फिलहाल अभी बंद पड़ा है। और देखिए यहाँ पर वही चौराहा है जहाँ पर माधुरी दीक्षित मैम का घर है और ये बगल में रहा गेट। इसी गेट के रास्ते हमें आगे चलना है। आप लोग देख सकते हैं गेट के एक तरफ लिखा है मंगल, दूसरी तरफ लिखा है किरण। तो आइए चलते हैं अब जहाँ पर उनकी छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी हवेली है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं और आपको जो ये गेट दिख रहा है रेड कलर का ये वाला, यही है हमारे पुरानी फिल्मों के महानायक देवानंद जी के घर का गेट। देखिए ये शानदार सा गेट है और ऊपर भी यहाँ पर देखिए झूमर वगैरह अभी भी लगे हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर कोई मतलब रह रहा है। हम ज़रूर किसी ना किसी से पूछ के आपको आगे बताएंगे। फिलहाल देखिए दीवालों पे कितनी ज़्यादा घास उगाई है और इनके ऊपर का जो वो हिस्सा है ना, इतना खूबसूरत बनाया गया है, जैसे पुरानी हवेली बनाई जाती थी फिल्मों में, सेम उसी का कॉपी किया गया है। और यहाँ पर ऊपर ना नारियल के छोटे छोटे पौधे और गमले में खूबसूरत सूरत जो है फूल पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए वहाँ से लेकर पूरा जो ब्लैक दीवार थोड़ी सी दिख रही है, पूरा किनारे तक इन्हीं का है। ये हमारे देवानंद जी का बंगला, लेकिन यहाँ पर दीवारों पे काफ़ी घास उगाई है और पूरा ग्रीन हो गया है। ठीक से इनका घर इसी की वजह से दिखाई भी नहीं दे पा रहा है। अब चलिए थोड़ा सा देवानंद जी के बारे में आपको बता देते हैं। देवानंद जी का जो जन्म है वो 26 सितंबर सन 1923 में हुआ था और ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। आपको बता दें कि इनकी शादी कल्पना कार्तिक नाम से जो एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी, उनसे हुआ था। और उनका जो जन्म है वो 19 सितंबर सन 1931 में हुआ था। और जो ये देवानंद जी हैं, इनका पूरा नाम धर्मदेव दत्त पिसोरीमल आनंद है। इनका जन्म जो है वो ब्रिटिश इंडिया के सकरगढ़ गुरदासपुर पंजाब भारत में हुआ था, लेकिन अब फिलहाल ये जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान में चला गया है। और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 1911 को लंदन यानी इंग्लैंड में हुआ था, जब ये 88 वर्ष के हो चुके थे। इनका निधन जो है वो 3 दिसंबर 2011 को हुआ था। देवानंद के पिता पिसोरीलाल आनंद गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। 5 भाई बहनों में ये अपने पिता की तीसरी संतान थे। इन्हीं मिलाकर 4 भाई और एक सबसे छोटी बहन थी। देवानंद जी के पिता का नाम पिसोरी लाल आनंद था और माता का नाम शेखर कपूर। इनके भाई थे मनमोहन आनंद, वो भी वकील थे। चेतन आनंद, वो निर्माता, निर्देशक और एक लेखक और अभिनेता थे।
और उनके एक और भाई थे जिनका नाम था विजय आनंद और उनकी एक बहन थी शीला कांता कपूर। भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर देवानंद ने नवकेतन फिल्म्स की नींव सन 1949 में रखी। उनकी सदाबहार पर्सनालिटी की वजह से उन्हें बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा नाम मिला। सन 1955 सन 1965 तक दक्षिण के एमजी रामचंद्र और बॉलीवुड के देव आनंद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे। देवानंद की जो लाइफ स्टोरी है वो भी बहुत ही विचलित करने वाली थी। देवानंद और सुरैया के प्रेम के चर्चे खूब हुए थे। सन 1948 से लेकर 1951 तक दोनों बेहद ही करीब थे, लेकिन सुरैया की नानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सुरैया ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की और 31 जनवरी 2004 में सुरैया की मौत हो गई। देवानंद ने अपने रिश्ते को सुरैया के साथ खुलकर स्वीकारा था, मगर इनकी शादी नहीं हो पाई। देवानंद ने सुरैया को डूबने से भी बचाया था। दरअसल हुआ ये था कि विद्या फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया नाव में बैठी थी, तभी नाव अचानक पलट गई। देवानंद सुरैया के साथ थे, उन्होंने उन्हें डूबने से बचाया। उसके बाद दोनों के बीच प्यार का रिश्ता जो है वो गहरा होता चला गया। ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन जब ये बात सुरैया की नानी को पता चली तो उन्होंने सुरैया के सेट पर आना जाना शुरू कर दिया। उनके इस ऐतराज़ की वजह से ये शादी नहीं हो पाई। विरोध की वजह थी सुरैया का मुस्लिम और देवानंद का हिंदू होना। उसके बाद सन 1954 में कल्पना कार्तिक से देवानंद ने शादी कर ली। कल्पना कार्तिक का घर का नाम मोना सिंह था। कल्पना खुद भी एक्ट्रेस थी। दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के वक्त बेहद निजी तरीके से शादी की थी। कल्पना क्रिश्चियन थी। इनके दो बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना आनंद। देवानंद जी ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करने के बाद देवानंद ने मुंबई की तरफ रुख अपना लिया। देवानंद ने अपना करियर किसी फिल्म स्टूडियो या किसी फिल्म से नहीं किया था, बल्कि चर्चगेट स्थित मिलिट्री सेंसर्स ऑफिस से किया था। पहली नौकरी में उनका जो वेतन है वो 165 रुपये प्रति माह था। बाद में अकाउंटर के तौर पर एक कंपनी ज्वाइन की जहां इनका वेतन 85 रुपये था। इसके बाद अपने बड़े भाई चेतन आनंद की इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन की। देवानंद अशोक कुमार से बहुत ही प्रभावित थे और अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत फिल्म के उनकी एक्टिंग पर देवानंद फिदा हो गए थे और तय कर लिया था कि वो जो है वो एक्टर बनकर रहेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि इनका बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुआ। तो आपको बता दें, देवानंद को 1940 के आखिर में एक्टर सुरैया के साथ एक फिल्म में ब्रेक मिला। देवानंद ने इस रोल को पाकर खुद को बहुत ही गौरवान्वित जो है वो महसूस किया और ये महिला प्रधान फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गईं। दोनों ने साथ साथ 7 फिल्में की। ये सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। ये जो फिल्में थीं इसमें सबसे पहली विद्या 1948, जीत 1949, शहर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, दो सितारे 1951 और सनम 1951 में हिट हो गई थी। उसके बाद अशोक कुमार ने सन 1948 में बॉम्बे टाकीज के बैनर तले बनी फिल्म जिद्दी में देवानंद को बतौर हीरो साइन कर लिया और इनकी जो मशहूर फिल्में हैं वो है बाजी, हेरा फेरी, जैकथीप, तेरे घर के सामने, टैक्सी ड्राइवर, काला पानी, सीआईडी, प्रेम पुजारी, गाइड, छुपे रुस्तम, आनंद और देवानंद। ये सारी इनकी जो फिल्में हैं ना गाइज, वो हिट हो चुकी थी। और देखिए, देवानंद जी का जो बंगला है वो पीछे से भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ रेखा मैम का वो इरीज पार्क वाला घर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है ब्लैक कलर की पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है बगल में, यहाँ पर ये पूरी की पूरी बाउंड्री उनके घर के चारों तरफ लगाई गई है। हिंदी फिल्मों के
माने जाने सदाबहार अभिनेता देवानंद का जो लंदन में हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया, वो उस समय करीब 88 साल के हो चुके थे। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा में अपना योगदान देने वाले देवानंद को वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया और 2002 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने वर्ष 1949 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन इंटरनेशनल फिल्म की स्थापना की और 35 से ज़्यादा फिल्मों का निर्माण भी किया। आपको तो पता ही होगा कि देवानंद जी के दो बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी थी। जो बेटी हैं उनका नाम देवीना आनंद था और वो अपने पूरे परिवार के साथ फिलहाल इस समय दिल्ली में रहती हैं और वहीं पर अपना समय बिताती हैं। और जो इनके बेटे हैं सुनील आनंद, वो मुंबई कभी कभार आया करते हैं, अक्सर वो लंदन में ही यानी बाहर रहते हैं। मुंबई में इस बंगले के अलावा उनका एक ऑफिस था जिसका नाम था पेंटा हाउस और ये मुंबई के पाली हिल बांद्रा में बना हुआ था और इनका नेटवर्थ गाइज करीब 50 मिलियन यूएसए डॉलर था। और उस समय देवानंद जी के पास एक हीलमैन मिनेक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कार हुआ करती थी। तो ये रहा देवानंद जी का बायोग्राफी और उनका आलीशान बंगला। उम्मीद करूँगा गाइज कि इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिला होगा। फिलहाल इस बंगले में अब कोई रहने भी लगा है जी, क्योंकि अभी कोई इस बंगले में गया है और इस बंगले की अंदर से साफ सफाई भी जारी है। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पर देवानंद जी के घर का पूरा ब्लॉग दिखा दिया है शूट करके और उनके घर की खासियत भी बता दिया है, उनके घर की प्राइस क्या है उस हवेली की और उनके घर में रहता कौन कौन है इस समय। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो जल्द ही गाइज आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।